वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो हमारी काफी देर से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि हमारा ना लॉकडाउन कोविड बहुत ज्यादा चल रहा है। अयान मेरे घर आ नहीं सकता था, मैं अयान के घर जा नहीं सकता था, इसलिए हम वीडियो बना नहीं सकते थे। तो और मैं सोचे कि हम जूम मीटिंग पे वीडियो। हाँ, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज हम खेलने जा रहे हैं गेम जिसका नाम है कोड नेम। और भी बहुत कुछ करेंगे हम क्योंकि ये वीडियो इज अबाउट माय बर्थडे, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। तो मेरी मैं अपने टॉयज को दिखाऊंगा कि मुझे क्या क्या मिला इस बर्थडे पे और भी बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम अभी दिखाएंगे हेमू के गिफ्ट। तो ये पहले एक लेगो का ट्रांसफॉर्मर आया है, ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता, पर इसको तोड़ के आप इसके ही ब्लॉक्स यूज करके इसको फिर से बना सकते हैं एज अ कार। हमारे वाले करते हैं भले वो सस्ता। हाँ, हमारे वाले करते हैं भले वो इतने डिटेल ना हो, बट दे ट्रांसफॉर्म। तो प्लीज हमारी पिछली वीडियोस देख ली गई, ये बम्बल बी का यहाँ पे अभी आपको ऊपर लिंक आ जाएगा कहीं यहाँ पे। तो फिर अब हम आते हैं दूसरे गिफ्ट पे, ये स्मार्टिविटी का है। ये हाइड्रोलिक प्लेन लॉन्चर है, तो इसमें मैं प्लेन और सॉफ्ट मिसाइल भर के जल्दी से आया, तो मैं यहाँ पे इसको ले आया हूँ। तो इसको पहले लोड करना होता है, ये लोड हो गया बहुत आसानी से हो जाता है। फिर यहाँ पे हो चुका है बुलेट इसके अंदर डालनी होती है ऐसे, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे एक एयरप्लेन डालना होता है ऐसे। अभी बताता हूँ क्यों, ठीक है। ये मैंने लोड किया हुआ है इसको, अभी रेस मिसाइल और एयरप्लेन दोनों शूट हो गए। और आपको ये सारे टॉयज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको भी इनमें से कोई टॉय खरीदना है सारे नाम के साथ दे देंगे। अब हमारे पास आ गई है ये गन, ये बहुत बड़े सेट का एक पार्ट है, वो मैं सारी चीजें अभी आपको दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द गन, ये काफी अच्छी गन है, आपको अभी पता चल जाएगा क्यों। ये बहुत स्पेशल गन है। सबसे पहले तो यू कैन नॉर्मली शूट अ बुलेट, अभी मैं हाथ रख लेता हूँ, ठीक है। यू कैन नॉर्मली शूट अ बुलेट और यू कैन लोड एंड प्रेस दिस बटन ऑन द टॉप टू शूट इन द बुलेट, ओके। देन यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, ये छोटा सा एक रेड बटन है यहाँ पे, इसको प्रेस करके इन दो पीसेस को अलग कर सकते हो और फिर ये बुलेट जो है इसको यहाँ पे डाल सकते हो, लोड कर सकते हो और शूट कर सकते हो ये इस बटन की हेल्प से। एक्स्ट्रा बुलेट भी स्टोर कर सकते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे जगह है, तो व्हेन यू नीड एक्स्ट्रा की जगह है। हाँ, जस्ट पुल इट आउट एंड यहाँ पे लगा दो, लोड एंड शूट। आ गए हैं फिर उसी पुलिस सेट के हैंडकफ, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये ऐसे खुल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। लिया और मैं कोई हथकड़ियां पहना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें एक्सपर्टी। और यहाँ पे ये अभी तो हमने कीज से अनलॉक किया, पर इन केस कि आपके कीज गुम जाती है तो आपका टॉय खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे उसके लिए एक चीज है, इसको आप आगे कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे किया, और इससे एक बटन है शायद। हाँ, उसको थोड़ा आगे करना होता है, टॉगल है, और ये ऐसे खुल गया, ये अपने आप ही रीलोड हो जाता है वापस। तो फिर और इसको बंद करने के लिए आपको नॉर्मल बस प्रेस कर दो, हो गया बंद, लॉक हो गया। तो यहाँ पे मैं उसी टॉगल की हेल्प से खोल लेता हूँ, खुल गया और मैंने बंद कर दिया। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेट इज द बाइनोक्यूलर। नाउ ये बाइनोक्यूलर स्पेशल नहीं है, जस्ट अ लिटिल पीस ऑफ प्लास्टिक और यहाँ पे दो प्लास्टिक के लेंसेज हैं। ये जूम नहीं करता बट इट्स अ गुड गिमिक टू प्ले विथ। और ये है वॉकी टॉकीज, तो ऐसे दो आए हैं लेवल के। ये वॉकी टॉकीज में वॉइस तो बहुत आराम से ट्रैवल कर जाती है, इन वॉकी टॉकीज के ऊपर एक प्रॉब्लम है कि जब हम इनको स्विच ऑन करते हैं ये साउंड आती है, अनलेस यू चोर को पता चल जाएगा। हाँ, अनलेस यू प्रेस दिस बटन, ये तो पुलिस सेट के बाहर से मैंने अलग से लिया है, अनलेस यू प्रेस दिस बटन। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट, अगेन अ ट्रांसफॉर्मर, वैसा ही ट्रांसफॉर्मर है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था पर थोड़ा टूट गया था इसलिए बॉक्स में है। ये ऑप्टिमस प्राइम है और इसको भी ऐसे ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो अगर आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मर चाहिए
जिसको कि आप बिना तोड़े ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो प्लीज चेक आउट आवर वीडियो, उनका लिंक यहाँ ऊपर होगा। तो इसको पीछे रख देता हूँ और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट व्हिच इज स्मार्ट स्टिक ब्लॉक्स। तो ये काफी अच्छा होता है, इनको आप तोड़ मोड़ के कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कुछ खुले ब्लॉक्स भी पड़े हैं ब्लैक कलर के, और यहाँ पे मैंने तीन चीजें बनाई है, एक कार बनाई है, एक चेयर बनाई है इस पे मैं बैठूंगा और इसको बकी बॉल कहते हैं इस बॉल को, और ये मैंने उसके लिए स्टैंड बना दिया ताकि हम इसको टंगा दे और इसके अंदर से लाइट जला दे, ये बहुत सुंदर दिखेगा। सो दिस वाज ऑलमोस्ट माय गिफ्ट। तो अब हम करते हैं कुछ फन। नाउ We will try to remake the police kit, but with our own ways. So let's do that. वो क्राफ्ट होगा, ठीक है? उसके लिए हमारे को कुछ सामान चाहिए, तो हम वो जल्दी से गैदर कर लेते हैं। उसमें हम इनको वेलक्रोज और कार्डबोर्ड की हेल्प से बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ करेंगे, गन्स भी बनाएंगे और बाइनोक्यूलर नहीं होगा, उसमें हम देख नहीं सकते। हाँ, लेंस नहीं होगा, पर हमारे पास दिखेगा, ठीक है? हम आपको सब कुछ अभी बताते रहते हैं, विल कीप यू अपडेटेड। लेट्स रीमेक द पुलिस सेट। तो दोस्तों यहाँ पे हम सारा सामान ले आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडकफ्स हमने डिसाइड किया है कि मैं आधा बायनोक्यूलर्स बनाऊ, वो आधा बायनोक्यूलर्स बनाएगा, मैं हैंडकफ्स बनाऊंगा और वो गन बनाएगा। तो हैंडकफ्स के लिए हमारे को चाहिए दो इलास्टिक स्ट्रिप्स, एक कार्डबोर्ड स्ट्रिप कवर्ड इन ब्लैक पेपर एंड अ स्टेपलर। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू मेक अ हैंडकफ। तू जल्दी से बता दे। और गन के लिए हमें चाहिए पेपर और रबर बैंड्स, रबर बैंड, और यहाँ पे हमारे को बायनोक्यूलर्स बनाने के लिए भी पेपर चाहिए होगा। तो यहाँ पे ना मैंने दोस्तों इस कार्डबोर्ड की स्ट्रिप को कर्ल कर्ल कर लिया सारा, आपको आता ही होगा ये अगर आप पहले से क्राफ्ट बनाते हैं। और यहाँ पे इस कार्डबोर्ड की स्ट्रिप को थोड़ा ऐसे स्टेपल कर लिया ताकि बीच में से निकल रहा हो, ठीक है? तो ये हमारे को दूसरे साइड से बनाना है, तो ये हमारे को दूसरी साइड से भी करना है, ऐसे अच्छे से स्टेपल कर लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है स्टेपल। मैंने दोनों साइड से कर दिया, आप भी दोनों साइड से कर सकते हो। और गन बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक शीट का रोल बनाना है नॉर्मल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया है, दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है दोस्तों? तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐसे स्टेपल कर देंगे लाइक दिस, ओके? और ऐसे स्टेपल करेंगे, ये नीचे इसको ऐसे उल्टा लेंगे और तब करेंगे ताकि आपके हाथों में चुभे ना जब आपने हैंडकफ्स पहने होंगे, वरना आपको स्टेपल चुभेगी हाथों में। तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्टेपल कर दिया है, तो अब हम इसको इजीली हाथ में डाल सकते हैं लाइक दिस। तो दूसरा भी लगा देता हूँ अभी मैं जल्दी से, और उसके बाद हमारे हैंडकफ्स तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, हैंडकफ्स को बनाना इतना ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे हैंडकफ्स बन चुके हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ गन बन रही है ऑलमोस्ट। हैंडकफ मैंने एक हाथ में यहाँ पे डाल लिया, तो फिर आप यहाँ पे दूसरे हाथ भी डाल सकते हैं और फिर चोर एस्केप नहीं कर पाएगा हमारे, इतने बढ़िया हैंडकफ्स बने हैं। तो अभी अभी जैसा कि आप देख सकते हैं आयान गन बना रहा है। आयान दिखाओ अपनी गन कितनी बनी है, ये देखो अभी इतनी बन चुकी है, ऑलमोस्ट पूरी बन रही है। हाँ जी, तो हमारी गन बन चुकी है, गन बनने वाली है मतलब। तो हम अब बाइनोक्यूलर्स पे बढ़ते हैं। सो दो मिनट, तो फिर हम जल्दी से बाइनोक्यूलर्स पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटी स्ट्रिप और एक ब्रॉड स्ट्रिप ले ली है, तो ये मिलके एक A4 पेपर बन जाते हैं, मैंने उसी को काट दिया दो टुकड़ों में। तो अब हम क्या करेंगे, हम लंबी वाली स्ट्रिप से जो ब्रॉड है ज्यादा, एक रोल बनाएंगे जो कि इतना पतला भी नहीं होगा,
इतना मोटा रोड हमारे को एक बनाना है, ठीक है, इतना मोटा रोड। तो मैं इस रोड को जल्दी से बनाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो जब हमने ये वाला लंबा रोल बना लिया, ये ऐसा लंबा सा निकलेगा, इसके ऊपर हम एकदम, और यहाँ हमारी गन बन चुकी है। तो अब हमारे को क्या करना है, हमारे को थोड़ी सी अपनी फिंगर पे ग्लू लेनी है और इसके यहाँ इस एंड पे लगा देनी है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पे लगा दिया है, और इसको यहाँ पे इसके टॉप के साथ अटैच कर देना है, ठीक है जी। तो फिर अब हम इसको ऐसे रोल कर देंगे, रोल कर देंगे और इसको एंड तक रोल कर देंगे, और हमारा आधा बाइनोक्यूलर तैयार हो जाएगा, ऐसा सेम आयान बनाएगा। और जब लॉकडाउन खुलेगा हम उन दो, तो यहाँ पे आयान अभी अपना बना रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आयान अभी बना रहा है। हाँ, एक ही बनाना है, एक ही बनाना है, एक यहाँ पे बन चुका है। तो हम जब आएंगे तो हमें तो गार्डनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है क्राफ्ट का। तो नाउ वी विल हेड ऑन टू द गेम्स पार्ट। तो यहाँ पे हमें गेम खेलने वाले हैं कोड नेम्स नाम की, बहुत ज्यादा फन जैसे गेम मैंने है। शुरुआत में बता दिया था। ड्रम फुल ऑफ फिश, एक होगा ड्रम और एक फुल ऑफ फिश, ड्रम टैंक 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 टैंक, एक गलत है इसमें से फिश को। हाँ रुक, मैं अब लिख रहा हूं। Thank you.
तेरा क्या आ रहा है स्क्रीन पे? हम दोनों ही जीत गए, दोनों जीत गए। तो गाइस मैंने आपने देख ही लिया होगा, हमने एक राउंड कोड नेम्स का खेला है, तो बस यही थी। मैंने पहले सारे इसको जितवा दिए थे कार्ड्स, उसने सबसे पहले ढूंढ लिए, तो एक्चुअली उसको मेरे को पॉइंट मिलता है, और उसके बाद इसने मुझे सारे ढूंढवा दिए। बीच में थोड़ा सा चीटिंग हुई थी, आपने देखा होगा, पर मैंने नहीं माना और मैंने उसको बोला ढंग के क्लू दो वरना मैं नहीं करूंगा उनको सिलेक्ट। फिर उसने इसने धोखा दिया, इसने मुझे देखा दिया। गाइस थोड़ा पास से बता रहा हूँ, इसने बताऊँ क्या किया, इसने बताऊँ क्या किया, इसने मुझे बताया नहीं किस टाइप की, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। अगर ये बोलता कि पहले जो कार्ड ढूंढवाएगा वो जीतता है तो मैं ढंग से खेलता, पर ये गाइस ये चीटिंग है। बताओ कौन जीता है असली में, मैं या ये? वो आप कमेंट्स में बता देना। और दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, चीटर कौन है? थैंक्स थैंक्स फॉर फॉर वॉचिंग, वाचिंग, बाय बाय।